hello students as we know chapter 8 which is working with ms access has started and is still going on in previous video we have discussed about how can we create qd using qd wizard and query design view and how can we querying multiple tables so today in this video i am going to explain further topics of chapter 8 so let's start and the topic is setting the relationship manually how can we set the relationship between two tables manually let us see how can we relate the table manually to set the relationship between two tables manually we have to follow some steps and they are as follow under the tab database tool in relationship group select relationship option the relationship editor will open and so table dialog box will pop up न सी है डेटा बेस्ट है आप देख सकते हो पिक्चर में जो कॉर्नर में डेटा बेस्ट टूर है यहाँ पे, आप पे जब वें वें आप एक आपके सामने एप, आ, आ, आप होगा, से आप तो आपको क्या करना है चूज करना है इन द सो टेबल डायलॉग बॉक्स एट दस ऑथर एंड बुक वन बाईन ऑन टू द रिलेशनशिप इडि डायलॉग बॉक्स आपको क्या करना है सो टेबल डायलॉग में बॉक्स में आपको टेबल ऑथर एंड बुक को दोनों जो अलग अलग जो टेबल है आप जो दो टेबल को एक दूसरे से रिलेट करना चाहते हो उन दोनों टेबल को ए, ए, वन बाय वन ऐड करना है एंड आफ्टर एडिंग दम क्लोज द डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द फील्ड ऑटो कोड इफ इट इफ इट इज द कॉमन फील्ड इन बोथ द टेबल इन ऑथर टेबल एंड ड्रैग इट अप द सेम फील्ड इन द बुक तो आप क्या देखोगे जब आप एडिटर, में आप देखोगे जब तो आपको क्या करना है आपके सामने जो दो टेबल क्रिएट हुआ है ऑथर कोड और बुक दोनों टेबल में से आपको क्या करना ऑथर कोड का जो फील्ड है उस पर आपको क्लिक करना है और उसको आप ड्रैग एंड यू हैव टू ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट ऑन द टेबल बुक आपको फिर उसको टेबल बुक के टेबल में उसको ड्रॉप करना है तो जैसे ही यू विल ड्रॉप द ऑथर कोड इन फील्ड इन अनदर टेबल द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स विल ऑप पॉप अपर कैन से दिस इज द एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आपके सामने पॉपअप होता है सो so, आपके सामने जैसे ही पॉपअप होता है ये क्या होगा आपको यहाँ पर आपका रिलेशन क्रिएट आपको बस क्या करना हो? आप देख सकते हो यहाँ पर ऑथर टेबल ते, और बुक टेबल में दोनों में आपका ऑथर कोड एक आपका फील्ड है जो दोनों में कॉमन है देन आफ्टर आप देख सकते हो कि दोनों का कॉमन हो चुका है देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट बटन जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे आप दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप सेट से कर सक कर लोगे so this is about how can we set relationship between two tables manually now next, now let's move to the next topic which is referential integrity the term reference implies any value in the foreign key field in child table which is also present in the master table तो ये जो आपका टर्म रिफरेंस जो टर्म है ये फॉरेन की के लिए यूज होता है जो चाइल्ड टेबल में तो होते ही हैं साथ ही साथ वो मास्टर टेबल में भी वो आपकी जो तो फील्ड होती है वो प्रेजेंट होते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स टू इंश्योर दैट करेक्ट डाटा शुड बी मेन्टेन इन द टेबल और डिफ्रेंसियल इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जो जो डाटा है जो करेक्ट डाटा है वो आपके डेटाबेस में मेंटेन होना चाहिए वो आप कोई भी गलत डाटा या आप, आप कुछ अपडेट करते हो या कुछ डिलीट करते हो तो वो जो से जो भी कुछ आप अपडेट मैं उसमें मैनुपलेट करते हो कुछ एडिटिंग करते हो वो उसमें करेक्टली दोनों टेबल्स में चेंजेस आते जाएं तो ये काम जो आप करोगे जो प्रोसेस होगा ये इंश्योर करना कि डाटा शुड बी करेक्ट और नॉट ये आपका रिफ, रिफ, इंटीग्रिटी कहलाता है एम एस इंश्योर इंटीग्रिटी इन टू वेज आपका एमएस रिफ्रेंशियल इंटीग्रिटी को दो तरीके से इंश्योर करता है एंड द फर्स्ट वन इज इफ प्राइमरी की वैल्यू इज चेंज देन मैचिंग वैल्यू इन द चाइल्ड टेबल विल ऑल्सो बी चेंज अगर प्राइमरी की का वैल्यू कुछ भी अगर प्राइमरी की आप सेट किए हुए हो आप अगर चाइल्ड टेबल में उसको कुछ चेंज करते हो कुछ भी चेंज करते हो प्राइमरी की का वैल्यू तो वो सेम वैल्यू आपका जो मास्टर टेबल होगा या जो फिर दूसरे टेबल्स होंगे उसमें भी वो चेंज हो जाएगा तो आपको अलग अलग टेबल में चेंज करने की जरूरत नहीं है ये एम एस एक्सेस ऑटोमेटिकली खुद से करता है ताकि वैल्यू जो है हर डाटा की जो वैल्यू है वो करेक्ट हो सारे टेबल में तो ये खुद से एम एस एक्सेस कर लेता है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू चेंज एनी ऑथर कोड इन द टेबल ऑथर द सेम ऑथर कोड शुड चेंज ऑटोमेटिकली इन द टेबल बुक ऑल्सो इसका मतलब आपको एग्जाम्पल में आएगी समझा जैसे आपके पास दो आपको टेबल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया है एक ऑथर टेबल एंड सेकेंड वन बुक टेबल तो अगर आप ऑथर टेबल में अगर ऑथर कोड फील्ड में कुछ भी चेंजेस लाते हो तो वो वो ऑथर कोड का फील्ड का जो दूसरे टेबल में जो ऑथर कोड फील्ड है उसमें भी ऑटोमेटिकली वो फील्ड चेंज हो जाएगा एंड द सेकेंड वे इज द रिकॉर्ड इन एनी टेबल विल नॉट बी डिलीटेड इफ़ ए मैचिंग रिकॉर्ड इज प्रजेंट इन द रिलेटेड टेबल अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर ऐसा होता है कि आप कुछ चेंज लाते हो कुछ एडिट करते हो तो ऑटोमेटिकली तो हमें सक्सेस एडिट कर देता है बट अगर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो उसमें तो अगर कोई रिलेशनशिप मेंटेन है दो टेबल के बीच में और आप वैसे में आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हो तो ये आपका जो मैचिंग रिकॉर्ड जो दूसरे टेबल में होते हैं वहाँ से वो डिलीट नहीं होगा प्रेजेंट इन दिए आपका उस रिकॉर्ड में मैचिंग रिकॉर्ड जो है उसका जो दूसरा टेबल है उसमें वो प्रेजेंट रहेगा फॉर एग्जांपल इफ यू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ एन ऑथर इन अ टेबल बुक इट विल नॉट बी डिलीटेड बिकॉज ए मैचिंग ऑथर कोड इज देयर इन द टेबल ऑथर इसके एग्जाम्पल में आपको मान लो आप टेबल बुक में से कुछ रिकॉर्ड आप ऑथर के कुछ रिकॉर्ड आप डिलीट करते हो तो ये आपका मैचिंग ऑथर कोड जो है आपका जो नेक्स्ट टेबल है ऑथर टेबल जो है उसमें आपका वो एज इट इज रह जाएगा वो बिल्कुल भी

हेयर कैंसी डेटा बेस टूल या आपका कॉर्नर में डेटा बेस टू है इस पर आपको क्लिक करना है वेन यू क्लिक ऑन डेटा बेस टूल आप रिलेशनशिप ग्रुप में यू हैव टू क्लिक ऑन रिलेशनशिप ऑप्शन हेयर कैंसी दिस इज द रिलेशनशिप ऑप्शन आपको फिर रिलेशनशिप ऑप्शन पे क्लिक करना है वेन यू क्लिक ऑन रिलेशनशिप ऑप्शन रिलेशनशिप एडिटर वी ओपन एंड शो दू टेबल्स रिलेटेड आपके सामने क्या होगा एक रिलेशनशिप एडिटर जो है वो ओपन होगा जिसमें कि दो टेबल आपको रिलेटेड जो होंगे वो डिस्प्ले होंगे हेड कैंसि एडिट रिलेशनशिप आई पापा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें दो टेबल आपको शो है ऑथर एंड बुक

एंड आप जो जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे आपका जो एडिट रिलेशनशिप एडिटर है फिर यू हैव टू क्लोज दिस आपको फिर इसको क्लोज करना होगा चेंज द ऑथर कोड ऑफ कैन फॉलो टू ए जीरो जीरो नाइन फिर आपको क्या कह रहा है कि आप एक दूसरे टेबल में ऑथर टेबल जो है आपका उसमें आप जाके किसी भी एक मतलब कि आप एक कोड चेंज करो यहाँ पे आपको एक नाम भी दे रहा है कैन फॉलिट नाम का एक रिकॉर्ड होगा जिसमें आपको ऑथर कोड को चेंज करके ए करना है देन आफ्टर चेंजिंग द रिकॉर्ड यू हैव टू क्लोज द टेबल एंड ओपन द टेबल बुक फिर आपको बुक में टेबल ओपन करा वट डिड यू नोटिस इन द टेबल बुक आप क्या जैसे ही आप बुक टेबल को नोटिस करो तो आप क्या देखते हो ऑथर कोड ऑफ केन बुक्स इज चेंज टू तो ए जीरो नाइन इन टेबल बुको आप क्या देखोगे जो चेंज आप टेबल बुक uh, ऑथर okay. uh, वाली टेबल में किए थे सेम चेंजेस आपका बुक वाली टेबल में भी आ चुका है क्योंकि दोनों दूसरे से रिलेट किए हो और एमएसए एक्सेस ये इंश्योर करता है कि जो रिफ्लेसने इंटीग्रिटी है वो मेन्टेंड है आप मतलब तो जो भी डाटा आप एक जगह चेंज करते हो दूसरी जगह भी वो चेंज हो जाए तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हम कितनी तरह के रिलेशनशिप होते हैं जो हम एस एक्सेस में हम कैटेगराइज कर सकते हैं लेसनशिप बिटवीन कैन बी थ्री ऑफ थ्री टाइप्स तो आप कह सकते हो जो दो टेबल के बीच तो होता है वो तीन तरह से आप उसको कैटेगराइज कर सकते वन टू मीनी सो ना लेट ऑफ वन बाई दन इज वन टू मीनी लेसनशिप दिसर रिलेटेडेड बाई नंबर तो यहाँ पे वन टू मेरी में ये आपको ये समझाया जा रहा है कि इसमें क्या होता है एक रिकॉर्ड का टेबल बहुत सारे मैचिंग रिकॉर्ड के साथ रिलेशन होता है द मीन्स वन रिकॉर्ड इन वन टेबल हैज मेनी रिकॉर्ड्स इन अनदर रिलेटेड टेबल मतलब एक रिकॉर्ड का जो एक म, म, जो रिकॉर्ड होता है एक टेबल का उस दूसरे रिकॉर्ड के रिलेटेड टेबल से वैसे बहुत सारे मैचिंग रिकॉर्ड्स होते हैं

वन टू वन तो आप देख सकते हो बुक कैन बी इशू टू स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट एक ही बुक को इशू कर सकता है सो ना नेक्स्ट वन इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप दिस मीस मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन वन टेबल हैव मेनी मैचिंग रिकॉर्ड्स इन अनदर रिलेटेड टेबल इसका मतलब क्या हो गया कि आपके एक टेबल का जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स है वो दूसरे टेबल के जो रिलेटेड टेबल है उनके बहुत सारे दूसरे रिकॉर्ड्स के साथ भी मैच कर रहे हैं एक टेबल के रिकॉर्ड बहुत सारे रिकॉर्ड्स दूसरे रिलेटेड टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ मैच हो रहे होते हैं तो ये आपका हो गया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड

दूसरे मैचिंग टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड से वो मैच करेगा वो उससे रिलेट करेगा तो ये आपका होगा वन टू मेन रिलेशनशिप वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होगा किसी भी टेबल का एक रिकॉर्ड किसी दूसरे रिलेटेड टेबल का ही एक, ए, एक ही रिकॉर्ड के साथ मैच कर रहा है या फिर रिलेट कर रहा है यहाँ बहुत सारे रिलेशन नहीं होंगे सिर्फ एक टेबल का एक रिकॉर्ड का रिलेशन होगा दूसरे टेबल के एक ही रिकॉर्ड के साथ तो ये हो गया वन टू वन रिलेशनशिप एंड लास्ट वन इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इसमें क्या होगा एक टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स मतलब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स दूसरे टेबल के जो रिलेटेड टेबल दूसरे रिलेटेड टेबल है उसके मल्टीपल रिकॉर्ड उसके भी एक से ज्यादा रिकॉर्ड के साथ अगर वो रिलेट कर रहे होते तो ये हो गया मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टूडे एंड विद दिस टॉपिक्स योर चैप्टर एट हैज कंप्लीटेड नाउ थैंक यू